इटावा शहर के 14 केंद्रों पर हो रही पैट परीक्षा को देखते हुए इटावा जिलाधिकारी अमनीश कुमार राय तथा इटावा SSP जयप्रकाश सिंह ने बस स्टैंड रेलवे स्टेशनों पर गश्त किया और आपको बता दें कि शहर के 14 केंद्रों पर पैट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। शनिवार और रविवार को इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें 7,000 परीक्षार्थी फतेहपुर लखनऊ झांसी से तमाम छात्र छात्राएं बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि कई बार पैट परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण सभी अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। मेरा नाम निकेता श्रीवास्तव है, मैं झांसी से आई हूँ। पेपर पैट का था आज, UP SSSC पैट पेपर इजी था, अच्छा था। 80 को क्या अच्छी तैयारी थी, सब मतलब हर चीज़ एकदम उसमें थी, अनुशासन में थी हर एक चीज़। मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन की तैयारी थी क्योंकि इस बार सेंटर्स भी काफ़ी दूर दूर गए हैं तो इस वजह से पेपर आउट होने का कोई चांस नहीं है। पेपर इजी था, अच्छा था पेपर। क्या नाम है आपका? वरिंदर कौर, फतेहपुर से। आज किसका पेपर था? पैट का। तैयारी बहुत मेहनत की थी ताकि आगे फ्यूचर में कुछ वैकेंसी आए तो अप्लाई कर पाए। क्या नाम है? नाम है जीपू शाह। एक दिन से पैट का पेपर था मेरा, तैयारी खूब अच्छी रहा। हम कम से कम तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, अच्छी तरह किया है। पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन पर था छत पे तो उतरने चढ़ने में दिक्कत हुई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ शासन से, PH फिजिकल हैंडीकैप विकलांग है उसके लिए नीचे रखा जाए, ऊपर ना रखा जाए। यहाँ पे जितनी दिक्कत हमें वही, उससे दिक्कत किसी भी विकलांग को ना हो, ये प्रार्थना है आपके मीडिया के माध्यम से अधिकारियों। अब पेपर लीक ना हो, मेहनत करके ही आए हैं, कुछ आशा लेकर आए हैं। लीक होता रहेगा, तैयारी करते रहेंगे तो फ़ायदा क्या। तैयारी अच्छी हुई है, मेहनत अच्छी हुई है।